ठीक है। इसमें पहला ग्रुप है उनको कहते हैं स्टेटन फैमिली है, स्टेटन स्टेटन। और इनका नाम क्या है, ये है एचएमजी को ए रिडक्टेज, ठीक है, एचएमजी को ए रिडक्टेज फैमिली है। और इनके जितने भी इस ग्रुप में ड्रग है ना, सबके लास्ट में स्टेटन आता है, स्टेटन। और इसमें एग्जांपल के तौर पे ड्रग है एटोरवास्टेटिन। इसी तरह आगे आ रही है ड्रगें, एटोरवास्टेटिन, फ्लूवास्टेटिन। ये एचएमजी क्या है? एचएमजी ये एक एंजाइम है, मैं भी समझाता हूँ, ठीक है। एचएमजी एंजाइम का नाम है एचएमजी को ए रिडक्टेज, ठीक है। ये हमारे लिवर के अंदर कोलेस्ट्रोल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मेरी डाइट में कोलेस्ट्रोल नहीं है ना, तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर, लीवर के अंदर नया कोलेस्ट्रोल बनना शुरू हो जाता है। और ये ड्रग आगे मैं समझाता हूँ क्यों यूज करनी है। एचएमजी को ए रिडक्टेज ड्रगों के नाम है, लास्ट में स्टेटन आएगा पूरी फैमिली के लास्ट में। एटोरवास्टेटिन, फ्लूवास्टेटिन, लोवास्टेटिन, प्रोवास्टेटिन, लोवास्टेटिन, प्रोवास्टेटिन, रोसुवास्टेटिन, सिमवास्टेटिन एटसेट्रा। स्टेटिन 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 पहला ग्रुप ये है, समझ आ गया? ओके। सेकंड ग्रुप है उनको कहते हैं बाइल एसिड, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स, सिक्वेस्ट्रेंट्स। इसमें ड्रगें आती हैं कोलीसीविलाम, कोलेस्टिपोल, कोलेस्टिपोल, कोलेस्टायरामीन। तीन ड्रगें हैं बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स, कोलीसीविलाम, कोलेस्टिपोल एंड कोलेस्टायरामीन, कोलेस्टायरामीन, ठीक है। स्टेटिन वाली एटोरवास्टेटिन, फ्लूवास्टेटिन, लोवास्टेटिन, प्रोवास्टेटिन, रोसुवास्टेटिन एंड सिमवास्टेटिन। यानी स्टेटिन, स्टेटिन फैमिली, स्टेटिन किसी भी ड्रग के लास्ट में आ जाता है, आइडिया है कि वो लिपिड लोअरिंग ड्रग है। और सबसे ज्यादा ये ड्रग यूज होती है स्टेटिन में। दूसरे नंबर पे आ रही है बाइल एसिड सिक्वेस्टेंट्स, इसमें ड्रग है कोलीसीविलाम, कोलेस्टिपोल, कोलेस्टायरामीन। तीन ड्रग है। उसके बाद आगे फैमिली है जिसका नाम है फिब्रेट्स, इसमें ड्रग है फिनोफिब्रेट एंड जेमफिब्रोजिल। जेमफिब्रोजिल जो है ज्यादा यूज होती है, जेमफिब्रोजिल, फिब्रेट्स, फिनोफिब्रेट एंड जेमफिब्रोजिल। ये फिब्रेट फैमिली से एक ड्रग ख्याल कर लो, जेमफिब्रोजिल। उसके बाद एक विटामिन है, विटामिन नियासिन या नियासिन, और ये एक्चुअली विटामिन B3 है, ये भी यूज किया जाता है कोलेस्ट्रोल को लो करने के लिए। उसके बाद ड्रग आती है कोलेस्ट्रोल अब्सॉर्प्शन इनहिबिटर, कोलेस्ट्रोल अब्सॉर्प्शन इनहिबिटर। और इसमें ड्रग है एजिटिमाइड, एजिटिमाइड, समझ आ गई? ये ड्रग है लिखा है, यानी पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्रेन स्ट्रोक और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के प्रोफाइलेक्सिस के लिए ये ड्रग यूज करेंगे कि पेशेंट के अंदर हार्ट अटैक ना हो। अगर पेशेंट के अंदर कोलेस्ट्रोल का लेवल और लिपिड का लेवल हाई है, पैथोलॉजी इसमें दो टाइप की होगी, हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया एंड हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया। अगर ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रोल का लेवल बढ़ जाए तो हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया, अगर ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाए तो ट्राइग्लिसराइडीमिया, हाइपर ट्राइग्लिसराइड। स्टेटिन फैमिली में अटोरवास्टेटिन और अदर स्टेटिन, बाइल एसिड सिक्वेस्टेंट में कोलीसीविलाम, कोलेस्टिपोल, कोलेस्टायरामीन, फिब्रेट्स में जेमफिब्रोजिल, उसके बाद विटामिन नियासिन और कोलेस्ट्रोल अब्सॉर्प्शन इनहिबिटर ड्रग है एजिटिमाइड। क्लियर? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस ड्रग, सही है। ये लिवर है, ठीक है। लिवर के अंदर एक सेल ड्रा कर रहा हूँ, यानी हेपेटोसाइट है, एक बड़े साइज का सेल है लिवर, हेपेटोसाइट है, और अराउंड तो मिलियन हेपेटोसाइट है, लेकिन एक ड्रग है। और
ये एग्जांपल के तौर पे आ रहा है जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक, ठीक है, यानी ऊपर से फूड नीचे आ रही है, जो मैंने मैकेनिज्म पहले समझाया उसी को रिलेट कर देते हैं। और इस एरिए पे ये एडिपोज टिश्यू है और यहाँ पे एंजाइम था एलपीएल, लिपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है, तीन स्ट्रक्चर्स आते हैं। पहले नंबर पे मैंने ड्रगें बताई हैं स्टैटिन फैमिली। जब लीवर यानी कोलेस्ट्रोल जो है ना, वो अगर आप डाइट से नहीं भी लेते ना तो बॉडी अपना खुद प्रोड्यूस कर लेता है। कोलेस्ट्रोल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोलेस्ट्रोल और आयरन, ये दो ऐसे मॉलिक्यूल हैं, ये बॉडी के अंदर एक बार आ जाए ना तो इनको निकालने वाला कोई प्रोसेस नहीं है। आयरन और कोलेस्ट्रोल, अगर आयरन का लेवल बढ़ जाए ना तो उसको कहते हैं हीमोसिड्रोसिस, जो पैथोलॉजिकली नहीं होती। अगर पैथोलॉजिकली हो जाए तो उसको कहते हैं हीमोक्रोमाटोसिस, और हीमोक्रोमाटोसिस में हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, पैंक्रियाज का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, हीमोक्रोमाटोसिस। आयरन बॉडी के अंदर ज़्यादा आ गई है तो एक ही सिस्टम है, या तो उसको पेशेंट को ब्लड वेसल को काट के विनी सेक्शन करके उसका कंटिन्यूसली ब्लड जो है वो लीक हो, तो